अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है सादिक सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी व्हाट इनसाइड लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल रत्ना भंडार अनलॉक। और ये बहुत सालों बाद कहते हैं अनलॉक्ड हुआ है। हमने सुना था कि जो टेंपल्स होते हैं, जो हिंदू सनातन धर्म के जो टेंपल्स हैं, उनमें बहुत दौलत होती है। और ये दौलत का जितने खजाने होते हैं, दुनिया के अमीर देशों के पास भी दौलत के इतने भंडार नहीं होते जितने इन टेंपल्स में होते हैं। तो आइए मिलकर देखते हैं कि आज उनकी दौलत और भंडार का अहवाल, क्योंकि अभी कहते हैं अनलॉक हुआ है, और उसमें से कितनी दौलत निकली है और क्या कुछ है, मिलकर जानते हैं इस जबरदस्त वीडियो में। फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को जय जगन्नाथ। देखिए दोस्तों, आपको पता है उड़ीसा के अंदर जो पूरी शहर है वहां पर भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, इसमें जो रत्न भंडार है, जो खजाना है, उसको लेकर काफी चर्चा हुई है। इनफैक्ट रिसेंटली उड़ीसा में जो चुनाव हुआ था उसमें भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि पिछले 46 वर्षों से 46 ईयर से ये रत्न भंडार खुला नहीं था, लेकिन फाइनली ये अब ओपन हो गया है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये ओपन क्यों किया गया, क्या कारण था इसके पहले की कहानी, साथ ही साथ ये जो ओपन हुआ है उसके अंदर क्या बताया गया है मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे जो नए प्रतिज्ञा बैच है उसको अवेल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर खास बात यह है कि अगर आप 2025 का यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो आपको जो पूरा फीस है वो एक तरह से रिफंड कर दिया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ वर्शिप हिंदूज के लिए, आप सबको जो मैं बता रहा था कि पुरी में जो जगन्नाथ भगवान जी का जो मंदिर है काफी ज्यादा मायने रखता है, लेकिन पिछले 4 दशकों से 46 ईयर से इसका जो रत्न भंडार है, जो खजाना है इसके अंदर, वो एक तरह से लॉक पड़ा हुआ था। और यहाँ पर एक्चुअली इशू भी आया था, क्योंकि उसका जो चाबी है वो गायब हो गया था, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन जो उड़ीसा असेंबली इलेक्शन था उसके अंदर ये काफ़ी बड़ा मुद्दा था। तो फाइनली हुआ क्या है, यहाँ पर लगभग 1:30 बजे के आसपास, 1:28 पर आप देख सकते हो, संडे को करीब 11 ऑफिशियल्स, जिसमें एक हाई कोर्ट के जज भी थे, उनके साथ मिलकर ये जो रत्न भंडार है वो ओपन किया गया। और यहाँ पर मैं बता दूं, जो ऑफिशियल्स हैं लगभग 5:30 बजे के आसपास बाहर आए, लगभग आप कह सकते हैं कि 4 घंटे वो रत्न भंडार के अंदर थे। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा कि पहले कब इसको खोला गया, ये जो रत्न भंडार है इसके अंदर खजाना है, पहले कब खोला गया था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बार रत्न भंडार को बताया जाता है 1905 में खोला गया था, जब ब्रिटिश का शासन था, तो उस समय उन्होंने उसको खोला, उसका इंस्पेक्शन किया, और आगे चलकर फिर 1926 में इसको खोला गया था। देखो, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी, बहुत कुछ पड़ा हुआ है, तो आपको एक ट्रैक रखना पड़ता है कि जो भी कुछ है उसके अंदर क्या वो सुरक्षित कि नहीं, कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, तो आपको समय समय पर उसका रिकॉर्ड बनाकर रखना पड़ता है। तो 1926 में खोला गया, फिर आगे चलकर फाइनली आजादी के बाद आप देखोगे 1978 में, जब उस समय के उड़ीसा के जो गवर्नर थे उनके द्वारा इसको ओपन किया गया था। और मैं बता दूं, 1978 में लास्ट टाइम जब ये खोला गया था, करीब 70 दिन लग गए थे इसका पूरा रिकॉर्ड बनाने में, मतलब इतना सारा इसके अंदर खजाना हुआ होगा। तो फाइनली अब जाकर इसको खोला गया है। तो क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि आखिरकार 46 ईयर्स के बाद क्यों खोला गया, अभी क्या इशू चल रहा है। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये हो गया था इसको खोलने में,
कि इसका जो चाबी है, जो कीज़ हैं, वो मिसिंग थे। किसी को पता ही नहीं था कि आखिरकार इसको खोला कैसे जाए, और इसका चाबी मिसिंग है करके ऐसा क्यों कैसे पता चला, मैं आपको बताता हूँ। 2018 में उड़ीसा हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पर जो मंदिर का स्ट्रक्चर है उसको इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर दिया गया था कि अगर कुछ रिनोवेशन वगैरह करना है तो कैसे किया जाएगा, तो उसका इंस्पेक्शन का ऑर्डर दिया गया। उस इंस्पेक्शन के समय यहाँ पर पता चला कि जो कीज़ हैं रत्न भंडार के, वो एक तरह से मिसिंग है, क्योंकि जब तक आप उसको खोलोगे नहीं पता नहीं चलेगा, इंस्पेक्शन आप कर नहीं पाओगे। और इसी की वजह से ये रिसेंटली वाला जो अभी इलेक्शन हुआ था उड़ीसा के अंदर, वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया था। जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने एक तरह से नवीन पटनायक की सरकार के ऊपर अटैक किया कि आखिरकार चल क्या रहा है यहां पर। और फाइनली आप देख सकते हो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी हुआ, वो यहां पर बड़ी बहुमत से उड़ीसा के अंदर चुनाव जीतकर आई है। लेकिन देखिए, जब यहां पर कीज मिसिंग था नवीन पटनायक जी की जब सरकार थी, और ये बड़ा मुद्दा बन गया था, लोगों का सेंटिमेंट काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। मैं जानता हूं उड़ीसा के जब स्टूडेंट्स मुझसे मैसेज करते हैं तो उनके मन में काफी ज्यादा इसको लेकर आस्था रहती है। इनफैक्ट उन्हीं में से बहुत से लोगों ने अभी मैसेज किया था कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूं, उस समय पटनायक गवर्नमेंट के द्वारा इसको लेकर एक इंक्वायरी लॉन्च किया गया कि आखिरकार कीज है कहाँ। और जब ये इंक्वायरी लॉन्च किया गया, उसके कुछ दिन के बाद एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। एक्चुअली उस समय के जो पुरी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उनके सामने एक एनवलप आया, मतलब उन्होंने बेसिकली बताया कि एक रिकॉर्ड रूम में एक एनवलप रखा हुआ था, और उस एनवलप पर लिखा हुआ था डुप्लीकेट कीज ऑफ द इनर रत्न भंडार। देखो क्या है ना, जो रत्न भंडार है उड़ीसा टेंपल में, वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है आउटर भंडार और दूसरा है इनर भंडार। बेसिकली उसको हिंदी में अंदर या फिर भीतर भंडार और बाहर भंडार कहा जाता है एक तरह से। तो अचानक से क्या होता है कि उसका जो डुप्लीकेट की है, वो बताया ये जा गया कि जो डुप्लीकेट की है अंदर भंडार का, भीतर भंडार का, वो एक तरह से सामने आ गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। और इसी की वजह से और ज़्यादा इसको लेकर कंट्रोवर्सी बढ़ने लग गई कि आखिरकार कीज़ है कहाँ, कहीं कोई चोरी तो नहीं करा है, चल क्या रहा है रत्न भंडार को लेकर। तो फाइनली अब क्वेश्चन ये है कि जब ऑफिशियल्स संडे को 1:30 बजे अंदर गए, तो उसको लेकर क्या बोला गया है कि अंदर क्या मिला है, क्या चीज़ें हुई हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है जगन्नाथ टेम्पल के, ठीक है, उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया इसके बारे में कि सबसे पहले जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आउटर चेंबर, जो बाहर वाला भंडार है, उसको उन्होंने खोला। तो वो तो चलो आसानी से खुल गया, और उसके अंदर बताया गया कि बहुत सारा जो ऑर्नामेंट्स है, वैल्यूएबल्स हैं, वो पाए गए हैं, और उसको अभी के लिए एक स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब एक टेम्पररी लॉकर रूम टाइप का बनाया गया है, वहाँ पर जितने भी आउटर वाला जो भंडार है उसमें से सारे हीरे जवाहरात को उसके अंदर स्टोर करके रख दिया गया है, और उस स्ट्रांग रूम को अभी के लिए सील कर दिया गया है। जहाँ तक अंदर वाला, मतलब जो भीतर वाला भंडार है, इनर चैम्बर, उसको लेकर मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली उसमें 3 ताले लगे हुए थे, लेकिन जो चाबी मिली थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये कहकर कि ये डुप्लीकेट कीज हैं, उनमें से कोई भी की काम नहीं किया, कोई भी जो की है उस ताले को खोल नहीं पाया। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया था कि अगर की से वो ओपन नहीं होगा तो उस ताले को तोड़ दिया जाएगा। तो सभी ऑफिशियल्स के सामने यहाँ पर जो ताला है भीतर वाले भंडार का, इनर भंडार का, उसको एक तरह से तोड़ा गया ताले को, और उसके अंदर बताया गया कि एक्चुअली अलमीरा है, चेस्ट है, लॉकर है, उसके अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, और अभी के लिए वो सारे जितने भी वैल्यूएबल्स हैं उसको वहीं पर रखा गया, उसको शिफ्ट नहीं किया गया। ध्यान से समझिएगा, जो आउटर वाला चेंबर है उसमें से जो भी हीरे जवाहरात थे उसको एक स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन जो अंदर वाले चैम्बर के अंदर जो भी कुछ था उसको अभी शिफ्ट नहीं किया गया है। यहाँ पर ऑफिशियल्स जो हैं वो अब इन्वेंट्री, मतलब हिसाब लगाएंगे, देखेंगे कि क्या करना है, उसका एक पर्टिकुलर डेट दिया जाएगा कि कब उस अंदर वाले भंडार को शिफ्ट करना है एक तरह से, वो अब आगे चलकर डेट बताया जाएगा, और फिर उसकी काउंटिंग होगी, और तब चीज़ें आगे समझ में आएंगी कि एग्जैक्टली उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। अब डिपेंड करता है सरकार उसको पब्लिश करती है नहीं करती है, वो सब कुछ आगे पता चलेगा। लेकिन स्टिल आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार रत्न भंडार के अंदर है क्या। देखो यहाँ पर जो मैं मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह के सर्च कर रहा था, जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें मुझे समझ में आया कि लॉर्ड जगन्नाथ, जो भगवान जगन्नाथ हैं, उनको बहुत सारे सोने और जो डायमंड्स हैं, उसकी जो ज्वेलरी है, वो एक तरह से भेंट में चढ़ाया गया था, और वही सब कुछ उसके अंदर रखा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो उड़ीसा के अंदर जो राजा थे अनंग भीमा देव, उनकी तरफ से करीब 2.5 लाख मढ़ाज ऑफ गोल्ड,
मठाज आप समझते हो ना, आप समझ लीजिए जो मिट्टी का बना होता है मटका एक तरह से, वो 2.5 लाख के आसपास जो मठाज हैं ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, वो सब कुछ भेंट में चढ़ाया गया था, तो वो उसके अंदर रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने आपको दोनों चैम्बर के बारे में बताया, इनर और आउटर चैम्बर, उसमें से आउटर चैम्बर में आप देख सकते हो बताया जाता है कि 3 गोल्ड नेकलेस है और हर एक नेकलेस का जो वेट है आप समझिए कम से कम 120 तोला है। फिर इसके अलावा जो इनर वाला ट्रेजर है उसके अंदर बताया जाता है 74 गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं और हर एक का वेट 100 तोले से ज़्यादा है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि जो प्लेट्स हैं विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड डायमंड पर्ल्स कोल्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिलती हैं। 140 से ज़्यादा सिल्वर ज्वेलरी है ऐसा बताया जाता है। तो ये सब चीज़ें देखिए बस अंदाजा है, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर है। अल्टीमेटली अगर सरकार इसको काउंट करेगी और जब इसका रिपोर्ट सबमिट करेगी पब्लिक में लाएगी तभी एग्जैक्टली पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक जो चीजें हुई थी, जो भी कुछ हो रहा था, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था, एंड आई होप कि आपको पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो श्री रंगनाथ स्वामी टेंपल ये कौन से डाइटी को डेडिकेटेड है, किस भगवान को डेडिकेटेड है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त वीडियो था और इस चीज को जानने में मदद मिली कि आखिर टेंपल्स में होता क्या है, कितना भंडार उसमें लोग दान करते हैं, कितने हीरे जवाहरात, कितनी दौलत होती है एक टेंपल के पास। और देख कर हमारी तो आंखें फटी ही रहेगी, इतने इतने बड़े भंडार निकलते हैं और सिर्फ एक टेंपल से। एक टेंपल क्या है? एक टेंपल मंदिर है जहाँ, और हमने हमारे किताबों में लिखा है कि सोमनाथ के मंदिर पे हमले किए महमूद गजनवी ने और वो वहाँ से लूटता रहा दौलत को, और फिर भी वो दौलत कम नहीं कर पाया वहाँ की, क्योंकि वो कामयाब नहीं हो पाया उस वक्त जितने भी उसने हमले किए, लेकिन मंदिर को उसने नुकसान पहुँचाया। अभी देखिए इतना भंडार निकला है वहाँ से, और क्या बात है, इतने मटके, लाखों मटके जो भरे हुए हैं गोल्ड से और हीरों से, जवाहरात से, और पता नहीं क्या क्या होता है उसमें, हर तरह की दुनिया जहां की दौलत उसमें लोग दान करते हैं। और ये एक टेंपल है, अभी ऐसे लाखों मंदिर हैं इंडिया में और बड़े बड़े मंदिर हैं, और उनकी दौलत का शुमार तो अलग ही होगा। अच्छा। पता नहीं वहां पे क्या होगी, क्या बात होगी। और देखिए एक हुकूमत, एक इलेक्शन गिराया जाता है सिर्फ इस वजह से कि वहां की जो चाबीज हैं, जो कीज हैं, वो गुम हो गई हैं, और इतना लोग इसके साथ अपनी आशा रखते हैं, और जाहिर है रखनी भी चाहिए, उनका धर्म है, उनकी आशा होती है इन पे, उम्मीद होती है उन पे, और क्या बात है। अच्छा मैं ये सोचता था कि ये जो अंग्रेज आए थे, ये तो चलो गुलामी में लेने के लिए आए थे, हुक्मरानी करने के लिए आए थे, बादशाह करने के लिए आए थे, भी इनको जो गुलाम बना ले, लेकिन मैं ये सोचता था कि इन्होंने ट्रेनों के ट्रैक क्यों बिछाए थे, वो अब समझ में आते हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर जितने मंदिर हैं उनके जो ऐसे सोना चांदी हीरे जवाहरात, उनकी जितनी वेल्थ है उसको लूटने के लिए उन्होंने ट्रेनों के ट्रैक बिछाए थे कि भाई वो लेके कैसे जाने। जैसे अभी बता रहे हैं कि 200-250 मटके जो थे मट्टी के, वो सोने के भरे हुए जो उन्होंने वहां पे, यानी कि वो दान किए किसी ने, तो ऐसी चीजें लूटने के लिए अंग्रेजों ने ट्रैक बिछाए थे कि भाई ऐसा सोना हीरे जवाहरात कहाँ कैसे लेके जाएंगे वापस, वो उसके लिए उन्होंने ट्रैक बिछाए थे। वो देखे कितनी देर वो लूटते रहे, लेकिन ये भंडार को खत्म नहीं कर सके। आज देखें, आज भी ये जगन्नाथ मंदिर के जो भंडार हैं वो खोले गए हैं, तो भाई उनमें से इतनी वेल्थ निकली है कि लोगों की सोच गुम हो जाए, इतने हीरे जवाहरात जो हैं, वो सोना जो है वहाँ पे भाई लोगों ने दान किया है, वहाँ चढ़ाई है, तो भाई लोग जो है वो वहाँ उनकी आशाएं हैं, वो मंदिर है वहाँ पे इबादत करते हैं, वो जैसे हम मन्नत मानते हैं वो भी भाई मन्नत मानते हैं, ऐसे वो भी वही वहाँ पे जाके जो है वो दान करते हैं। बिल्कुल जी, जैसे कि आप देखिए कि जैसे आज ही देख लीजिए, मिसाल दीजिए अंबानी फैमिली है, तो उन्होंने भी अपने बेटे के लिए जो दान किया होगा मंदिर में, तो उन्होंने कोई छोटा मोटा दान तो नहीं किया होगा ना,
उन्होंने फिर इसी हिसाब से दान पंद्रह में किया है, तो बिल्कुल जिनको देता है ऊपर वाला बनाने वाला फिर वो उसी तरह से दान भी करते हैं, और जिसको दिल देता है, हर कोई दान नहीं कर पाता, जिसको वो बनाने वाला भगवान अल्लाह ताला की जात जो भी है वो देती है, फिर देने वाले या फिर ऐसे ही देता है, क्योंकि जिसको दिया वो अपने दिए में से आगे वो भगवान के नाम पे देते हैं। तो बिल्कुल देखिए कि आप देखिए कि उस सैकड़ों के हिसाब से, टनों के हिसाब से वहां पे जो है ना वो निकला है भंडार, और आज भी वहां पे है, और उसकी सुरक्षा के लिए वहां पे देखिए कितने कितने जो है ना किए गए चीजें की गई, तो बिल्कुल जी बहुत जबरदस्त चीजें हैं। आप देखिए कि इंडियन की इकोनॉमी तो क्या बात है, और अगर यही भंडार जो है वो निकाल के अगर वो रख ले तो ये तो दुनिया का अमीर तरीन मालिक में जो है ना शामिल हो जाएगा, कोई इसका मुकाबला नहीं है इंडिया का। भाई इंडिया कमाल का मुल्क है, ये उसके पास इतना भंडार है, बल्कि उनकी औरतों के पास बहुत सारा सोने का भंडार है। तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त है, देख के शौक हुआ कि भाई एक मंदिर के अंदर अगर इतनी वेल्थ है तो बाकी जो मंदिर है इससे भी कई बड़े बड़े मंदिर है उनकी वेल्थ का क्या हाल होगा। तो बिल्कुल जी इंडिया एक अमीर मुल्क है, और कमाल के उनके पास इंडिया अमीर मुल्क है, उसके लोग भी अमीर हैं, उनका दिल भी बड़ा है, और वो मंदिर भी अमीर है, दिल खोल कर वो दान करते हैं। क्या बात है, पिछले दिनों मैं सुन रहा था जब राम मंदिर बन रहा था, कोई सोने की ईंटें लगा रहा है, कुंडियां बना रहा है, दरवाजे बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो बिल्कुल जी वो दिल खोल कर दान करते हैं। आई होप सो वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।